हेलो, तो कैसी है मेरी प्यारी पब्लिक। तो गाइज, आज है मौसम बहुत ही ठंडा, और आपको दिखाता हूँ मैं कितना ठंडा मौसम हो रहा है आज यहाँ पे देहरादून में। तो गाइज, यहाँ पे चल रही है बारिश और शायद मसूरी में पड़ेगी बर्फ़। और शाम को हमें जाना है एक शादी में, और मैं जाऊँगा सिस्टर के साथ। तो गाइज़ देखो मौसम कैसा है आज का, और शाम को निकलना है शादी में, और शादी का व्लॉग भी बनाना है। मेरे फ्रेंड की सिस्टर की मैरिज है, तो मैं जाऊँगा शादी में। तो गाइज मौसम बहुत ख़राब है, लेकिन शादी में जाना ही पड़ेगा आज, और व्लॉग भी बनाना है उसका। उसने बोला था भाई मेरा व्लॉग बना दियो आके। तो ठीक है गाइज, शाम को शादी में जाएंगे, ऐसे मौसम में जाएंगे, मज़ा आएगा, बहुत ही ठंडा हुआ है मौसम। तो मिलते हैं गाइज रात को। तो गाइज मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और बस रेडी होना निकल रहा हूँ मैं, और टाइम होने वाला है निकलने का, सिस्टर भी आने वाली है। तो जैसे ही वो आती है हम यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो मुझे उसको लेने जाना पड़ेगा अगर बारिश नहीं रुकी तो। गाइस देखो कितना ज़्यादा मौसम ख़राब है यार, बारिश भी हो रही है, पर जाना तो पड़ेगा, आखिर दोस्त ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा, चलते हैं गाइस। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, और मेरी सिस्टर भी रेडी हो रही है। उसकी कॉल आई थी कि भैया आप आ जाओ लेने मुझे, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो हम चल रहे हैं मेरी सिस्टर को लेने के लिए पहले, उसके बाद हम चलेंगे वहाँ से सीधा डायरेक्ट शादी में। तो गाइस देखो बाहर कितनी बारिश है, आप लोग देखो बहुत बारिश हो रही है, सच में बहुत ज़्यादा बारिश है यार, फुल टू बारिश हो रही है। तो चलो गाइस निकलते हैं फटाफट शादी में, और फटाफट वहाँ पे एंजॉय करते हैं, लेट्स गो। तो चलो गाइस हम लोग निकल रहे हैं घर से, और काफ़ी बारिश हो रही है, मेरी बहन रेडी हो गई है, लेकिन दिखेगी नहीं अभी, अब दिखेगी। तो चलो गाइस हम लोग निकल रहे हैं फटाफट, चल विद्या जल्दी आ जा। अरे यार मेरी गाड़ी पूरी भीग रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, फटाफट बैठ विद्या जल्दी आ, चलो चलो। तो ठीक है गाइस हम लोग निकलते हैं फटाफट, और मैं बताता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं घर से, और हमें यहाँ से जाना है काफ़ी दूर, काफ़ी दूर मतलब 23 किलोमीटर दूर जाना है हमें यहाँ से, और जगह का नाम है गणपति गार्डन भानने वाला। हम फटाफट वहाँ पहुँच के आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा रास्ते का भी व्यू दिखाएंगे आप सभी को। और बारिश देखो बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश बारिश बहुत हो रही है बाहर, और फुल टू मज़ा आने वाला है, बहुत ठंडा हो रहा है, मज़ा आ रहा है। मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं साथ में, तो चलो गाइस निकलते हैं घर से। भनिया वाला है ना, भानिया वाला, ओके धनिया वाला, धनिया वाला। तो गाइस हम लोग पहुंचे हैं अभी दुल्हनिया वाला नाला, दुल्हनिया नाला, दुल्हनिया नाला पहुंचे हैं हम। तो गाइस हम लोग सोच रहे हैं यार वहाँ शादी में क्या हाल होगा, ओपन में शादी थी भाई भाई की, बहुत बारिश हो रही है, और बहुत बारिश है यार, भाई की सिस्टर की शादी थी, और मतलब काफी दुख हो रहा है मुझे तो, पता नहीं कैसे होगा। मेरी बहन भी बोल रही है कि पता नहीं भैया कैसा होगा, वहाँ पे पूरा गीला हो गया होगा, ओपन में शादी थी। तो देखते हैं गाइस पहुँचते हैं, देखते हैं क्या हालात है वहाँ के, आई होप कि सब कुछ अच्छा ही हो। तो चलो गाइस, ये फ्लाईओवर है, हाईवे है, और मैं राइड कर रहा हूँ 48 की स्पीड में, बस ज़्यादा तेज़ नहीं राइड करना है, क्योंकि नाइट का टाइम है और अच्छा मतलब रिस्की है, आराम से चलाएंगे, बारिश भी हो रही है। तो ठीक है गाइस वहाँ पहुँच के हम लोग करते हैं वीडियो कंटिन्यू, है ना, आप लोग बने रहो, और आई होप कि यार सब कुछ अच्छे से शादी हो जाए, फ्रेंड की सिस्टर की कोई प्रॉब्लम ना हो। गाइस ये सीन देख के आप भी हैरान हो जाओगे, ओ भाई क्या सीन है यार, धुंधला, और मतलब लाइट तो है ही नहीं यहाँ पे, फुल ब्लैकआउट है गाइस, यहाँ पे फुल ब्लैकआउट है यार, और बहुत मजा आ रहा है, मेरी बहन को मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, डर भी लग रहा है यार, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम रात को अकेले। सही बात है, अकेले पहली बार जा रहे हैं हम लोग, और हमारे घर वालों ने अलाउड कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है ये भी। गाइस मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, अच्छा फ्रेंड से भी मिल लेगी, अरे वाह। तो गाइस को अपने फ्रेंड से भी मिलना है, देखो जरा शादी अभी शादी पहुंचे नहीं है, तो फ्रेंड से पहले ही मिलना है, डोई वाला में, वाह। तो ठीक है गाइज हम अभी पहुंचने वाले हैं, बस कितने किलोमीटर अभी, 6 किलोमीटर काफ़ी अभी काफ़ी है बचा हुआ, तो हम आराम आराम से जा रहे हैं, तो पहुंचने वाले हैं, फिर हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं गाइज, हाँ बस पहुंच ही जाएंगे। देखो गाइज यार गाड़ियाँ कैसे निकल रही हैं, खटाखट डर भी लगता है कभी कभी, आराम से जा रहे हैं इसलिए हम लोग। तो गाइज हम लोग पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए हैं लगभग, पहुंच ही गए हैं गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं गणपति गार्डन, और ये है वेडिंग पॉइंट। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं, और बारिश हो रही है, फुल ऑन बारिश हो रही है यार, फुल ऑन बारिश हो रही है भाई, तो बारात भी आ रही है, बारिश भी हो गई है। तो चलो गाइस अंदर चलते हैं फटाफट, मेरी सिस्टर तो चली गई है अंदर, और फुल ऑन बारिश है यार, फुल ऑन बारिश हो रही है आज तो।
लेकिन बहुत अच्छा डेकोरेट करा है यार, बहुत अच्छा डेकोरेट करा है, बट बारिश बहुत ज़्यादा है यार, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सारा फंक्शन पानी में हो गया, लगभग पानी पानी हो गया है। तो चलो गाइस देखते हैं अंदर का क्या हाल है। अंदर तो फुल ऑन बारिश है यार, फुल ऑन बारिश है। गार्डन में तो कोई भी नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है ऊपर से, और सारे लोग यहाँ पे हैं, सब लोग अंदर हैं। बहुत अच्छा डेकोरेट करा है यार, बहुत अच्छा डेकोरेट करा है, ओपी मज़ा आ गया। देखो मेरी सिस्टर खड़ी है, हाथ हिला रही है, एक डॉगी भी आ गया यहाँ पे। हाँ भाई क्या क्या खा लिया? मैंने बहुत कुछ खाया। बहुत कुछ खाया, क्या क्या खा लिया? मैंने खाया स्प्रिंग रोल, मशरूम और वेज कबाब। अच्छा ओके, क्या बात है, इसने खाया मशरूम, वेज कबाब और स्प्रिंग रोल। तो गाइस अभी मेरा फ्रेंड, मैंने कॉल किया था फ्रेंड को, वो कह रहा है भाई थोड़ा सा तू अपना खावा ले, उसके बाद मैं मिलता हूँ। तो जैसे ही वो आता है हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं गाइस। और बहुत अच्छा स्टेज सजा रखा है, देखो गाइस बहुत अच्छा स्टेज सजा रखा है यहाँ पे। देख कितना प्यारा सा बच्चा है, देखो अरे मस्त लग रहा है। तो ठीक है गाइस चलो कुछ खा लेते हैं, भूख भी लग रही है, ठंडा भी लग रहा है, मैं तो पूरा भीगा पड़ा हूँ। ये है आपका ओपन गार्डन यहाँ पे गणपति का। तो चलो गाइस कुछ खा लेता हूँ उसके बाद। गाइस अब हम लोग खाएंगे डोसा, और भैया रेडी करें डोसा, उसके बाद हम खाएंगे टिक्की और फिर चाउमीन। ये देखो मेरी सिस्टर लगी हुई है छोटी बच्ची के साथ, तो सामने चाउमीन भी है। तो पहले मैं खाऊंगा डोसा, मेरी बहन और मैं डोसा खाएंगे पहले, जल्दी से बने फिर हम खाएं फटाफट। तो गाइस डोसा प्रिपेयर हो रहा है फटाफट, और मेरे में पानी आने वाला है। ये देखो जरा इसे चाउमीन खा रही है, मैंने कहा डोसा तैयार कर रहा हूँ, कह रही नहीं भैया पहले चाउमीन खाऊंगी। हाँ ठीक है खा ले। तो गाइस हमारा डोसा बनने वाला है फटाफट, डोसा आ चुका है हमारा और मैं खाने जा रहा हूँ। मेरी सिस्टर का भी आ गया है, जिधर पहले चाउमीन खा रही है उसके बाद डोसा खाएगी। तो गाइस मैंने चाउमीन ली है और चाउमीन सच में बहुत टेस्टी है, डोसा भी बहुत टेस्टी था और मैं खा ही रहा हूँ अभी, बहुत टेस्टी है गाइस, मज़ा आ गया सच में, बहुत 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 बढ़िया है। बस टूट पड़ो इस पे है, मेरी बहन का तो ख़त्म भी हो गया, देखो गाइस कितनी जल्दी खा लिया, और देखो मेरा बच्चा भाई भी। गाइस देखो हमारे पास हमेशा एक डॉगी आ जाता है, हम कहीं भी जाते हैं डॉग्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, इतना मतलब हम डॉग लवर हैं, इतने डॉग हमसे इतना प्यार करते हैं, देखा पहुँच जाते हैं ना। अरे उन्हें ठंड लग रही है वो इसलिए यहाँ पे आ गए। हाँ उन्हें ठंड लग रही है इसलिए वो यहाँ पे आ गए। बाहर बारिश हो रही है गाइस, और बारात भी आ गई है, झूला भी आ गया है। तो गाइस झूला आ गया है, दुल्हन रह गई है, दुल्हन नहीं आई है, और वहाँ पे डांस चल रहा है, फुल ऑन डांस चल रहा है। मेरी बहन खा रही है गोलगप्पे, कितने खाएगी विद्या पता नहीं। तो ठीक है गाइस ये खा रही है पहला, खाने के लिए भी पेट में जगह नहीं, ये कम खाएगी क्योंकि खाने के लिए पेट में जगह नहीं बचेगी फिर। तो देखते हैं गाइस कितने खाती है, ये मीठा खा रही है खट्टा खा रही है विद्या, मीठा खा रही है खट्टा, मीठा या खट्टा मिक्स? ओके गाइस ये मिक्स खा रही है, खट्टा है वो, खट्टा है चलो ठीक है। तो गाइस ये इसका सेकंड है, फेल रही है तब आगे फट जाएगी एक दिन। तो ये इसका तीसरा है और बहुत यम्मी बता रही है, मैं भी खाऊंगा इसके बाद। ओके गाइस कंप्लीट हो गया इसका, तीन खाए इसने, अब मेरी चांस है। मेरी बहन डॉगी को गोलगप्पे खिला रही है, ये देखो जरा डॉगी को गोलगप्पे खिला रही है और डॉगी गोलगप्पे खा भी रहा है, वाह 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 क्या बात है। हाँ भूखा है बेचारा, खा ले खा ले खा ले। तो गाइस ये बहुत भूखा है और भीगा हुआ भी है, बारिश भी बहुत है, तो इसलिए इसको हमने आने दिया, इसको हम खाना भी खिला रहे हैं। हाँ बेचारे कुछ बोल नहीं पाते, हमें इनकी मदद भी करनी चाहिए, देखो बच्चे भी खिला रहे हैं, हमें देख के बच्चे भी खिला रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। तो गाइस फुल ऑन डीजे एंटरटेनमेंट चल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं और वी आर इंजॉइंग हेयर, और हमने सब कुछ खा लिया है, लगभग स्नैक्स वगैरह सब कुछ मेल लिया है, बस खाना रह गया है, उसके बाद हम घर को निकलेंगे। गाइस फुल एंटरटेनमेंट हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, आया करो जी घर की साड़ी घड़ी बोल के भी।
तो गाइस हम लोगों ने ले लिया है खाना। इसकी प्लेट भरी हुई है और मेरी कम है। अच्छा मेरी भरी हुई है और इसकी कम है। इसकी कम इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी खा चुकी है बहुत सारा। हाँ, और मैं सबको टेस्ट करती हूँ। तो गाइस चलो हम लोग खाते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे घर को। एक बार आप देख लो स्टेज में, अभी दुल्हन नहीं आई है क्योंकि काफी लेट हो गया है, तो हमें भी घर जल्दी निकलना पड़ेगा। तो गाइस ये है हमारा प्यारा सा दूल्हा, मतलब मेरे फ्रेंड का जीजा जी है ना, मेरे फ्रेंड के जीजा जी है ये। और अभी मेरे फ्रेंड की सिस्टर नहीं आई है, मतलब दीदी नहीं आई है अभी। ग्रूम वेट कर रहा है उसकी ब्राइड कब आएगी। हाँ दूल्हा वेट कर रहा है कि दुल्हन कब आएगी मेरी। तो जैसे ही दुल्हन आएगी वैसे ही हम लोग भी पूरा रेडी है उनका वीडियो शूट करने के लिए। कितनी फोटो, पूरी ऑडियंस बैठी है या दुल्हन ही नहीं आई बताओ। सब लोग वेट कर रहे हैं दुल्हन का, सबसे ज्यादा दूल्हा वेट कर रहा है। तो चलो गाइस जैसे ही आती है दुल्हन हम कंटिन्यू करते हैं। ओ दुल्हन आ गई, अरे आ गई दुल्हन, आ गई भाई, क्या सही टाइमिंग थी ना। तो गाइस दुल्हन आ चुकी है, हम जाके पास से एक बार उन्हें दिखाते हैं। चल विद्या आगे से चलते हैं। तो गाइस दुल्हन आ गई है, मतलब दीदी आ गई है, मेरी दीदी है। बहुत प्यारी लग रही है दीदी। तो गाइस दीदी पहुंचने वाली है स्टेज तक और दूल्हा वेट कर रहा है, इतना डिस्टेंस और है अभी। और ब्यूटीफुल लग रही है दीदी यार। दीदी आने आ रही है स्टेज की तरफ और दूल्हा वेट कर रहा है दीदी का, देख सकते हो आप।
गाइस फुल प्रिपरेशन है ऊपर जाने के लिए और सब लोग फोर्स कर रहे हैं कि भैया चढ़ा लो चढ़ाओ चढ़ाओ चलो चलो लेके चलो। चलिए 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 फोटोशूट चल रहा है, फुल ऑन फोटोशूट चल रहा है गाइस। स्माइल, क्या बात है, दूल्हा बहुत खुश। हाँ मैं यही बोलने वाली थी। तो गाइस ये है हमारे प्यारे से दीदी और जीजू, बहुत प्यारी जोड़ी है, बहुत ही प्यारी जोड़ी है गाइस। तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। तो चलो गाइस जयमाला हो चुकी है, तो अब हम निकलते हैं घर को। तो गाइस दिस इज आवर एंडिंग डिश, मैं पी रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक और ये खा रही है हलवा, इसकी स्वीट ड्रिंक और मेरा स्वीट। अच्छा मेरी स्वीट ड्रिंक और इसके स्वीट फूड फूड ओके इसका स्वीट फूड। तो गाइस एंड हो चुका है, शादी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सब लोग बस खा रहे हैं और फिर लोग घर जाएंगे क्योंकि बारिश चल रही है और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम भी निकलेंगे गाइस इसके बाद, तो ठीक है निकलते हैं फटाफट। गाइस हम लोग जा रहे हैं, एंड हो गया है, जयमाला हो गई है, मेरी सिस्टर ये है कह रही है भैया चलो चलते हैं, सब कुछ ओवर हो गया है, सब लोग जा भी रहे हैं अपने घर पे और काफ़ी यहाँ पे ठंडा भी है और अभी भी बारिश चल रही है, हम आए थे तब भी बारिश थी और अभी बारिश चल रही है। गुड लक टू द वेड कपल्स, मेरी सिस्टर बोल रही है कि दिल से प्रे कर रही है उनके लिए कि आगे खुश रहे और हमेशा हंसते रहे। तो ठीक है गाइस हम लोग निकलते हैं घर को, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया खाना था, सब कुछ अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था, बस बारिश हो गई, बाकी सब कुछ ऑल ओवर बहुत अच्छा था। पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे देखो सब पानी पानी हो गया है, वरना यहाँ पे ओपन में रहता तो बहुत मज़ा आता, ये सब पानी वानी हो गया था यहाँ पे, तो बारिश चल रही थी। तो चलो गाइस निकलते हैं घर को, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, थैंक यू सो मच, बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सब ध्यान रखो अपना, बाय।